हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग विद पब्लिक शर्ली। देख सकते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा हरी में हूँ। क्यों हरी में हूँ? सर सॉक्स का, क्योंकि आज मेरे लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। अभी चल लगाना है स्पेशल इसलिए क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपनी इन द सेंस ड्रीम बाइक लेने। मतलब कि मैंने जो सोचा था कि ये बाइक मैं लूँगा, तो ये ड्रीम बाइक मैं लेने जा रहा हूँ। अभी पता नहीं मुझे डिलीवरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी बाइक की, बट पेपर वर्क वगैरह सारा सब कुछ करना है। तो अभी मैं शूज़ वगैरह पहन रहा हूँ और अपने होटल में हूँ। अभी निकलूँगा होटल से। सो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा और हम आपको दिखाएंगे कि हम अपनी ड्रीम बाइक कौन सी लेने जा रहे हैं और क्या है। तो हम आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग की वजह से ही आज ये मेरा छोटा सा सपना पूरा हुआ है बाइक का। आई एम रियली रियली एक्साइटेड, क्योंकि मतलब बहुत टाइम से वेट कर रहा था मैं, और अब जा कर के मेरा ये सपना पूरा हुआ है। तो आई एम गोना गेट रेडी। और अभी मैं हूँ, मैंने होटल बुक किया था एक्चुअली, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ काम था। मैं हूँ दयाल गेट पे में, अगर हो सकता है तो इसका छोटा सा टूर दे दूँगा आपको। और चलते हैं, निकलते हैं, अभी देखते हैं चल के हमारी बाइक का क्या सीन है और पेमेंट वगैरह करना है और कितने की क्या है वो सब आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो ये भाई हम पहुंच गए हैं ये शोरूम, ये है रॉयल इनफील्ड का शोरूम। बट अभी बाइक रिवील नहीं हुई है कि बाइक कौन सी लेना है, तो अंदर चलते हैं, पहले देखते हैं इस। ये देखिए, अंदर चलते ही इसके ये कूल कूल से इसके यहाँ पर एक्सेसरीज वगैरह रखी हुई हैं। ये कपड़े वगैरह हैं, ये शर्ट, ये टी शर्ट जैसा आप देख रहे हैं। टी शर्ट है भैया 999 की टी शर्ट, ये शर्ट है जो रखी है ये 4000 रुपये की। और ये जैकेट जो ऑरेंज वाली मुझे काफ़ी कूल लगी, पर ये 12000 की, इसको मैं लूँगा बट अभी नहीं लूँगा, बाद में लूँगा, पर लूँगा ज़रूर। और ये ग्लव्स रखे हैं देखिए, काफ़ी अलग अलग तरीके के। बाकी स्टेलर का कलर बहुत प्यारा लग रहा था, और ये ब्लैक वाली स्टेलर तो भाई मेरी नज़रों में चढ़ गई थी स्टेलर। तो अब मैंने सोचा है कि थोड़ा सा मन मेरा स्टेलर की तरफ जा रहा है, तो इसी को मैं सोच रहा हूँ फाइनल करने के लिए। लेकिन पहले देख लेता हूँ कि कौन सी क्या रहेगी गाड़ी। तो ये भाई, मैं एक बार इसको पहले बैठ करके इसको ट्राई कर लेता हूँ। और भाई को मैंने कैमरा पकड़ा दिया है, और लेकिन ये गाड़ी किसी और की जैसा आप इस पर देख सकते हैं, ये रेडी करके रखी गई है। इस पर नंबर वगैरह पड़ रहा है, पड़ चुका है एक्चुअली। देखिए सामने नंबर लगा है, भाई अभी इधर से निकलेंगे। भाई ने कहा कि जो है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं ट्राई कर सकते हैं। तो ये कर मैंने भाई स्टार्ट गाड़ी को, गाड़ी की आवाज़ वगैरह काफ़ी औसम सब कुछ है भाई। अब चलते हैं भाई आगे। ये भाई आ गए, अब ये मेन काम करेंगे, पैसा लेंगे। देखिए बैठे हैं सामने, चेक कर रहे हैं ये अपने उसमें, देख रहे हैं सिस्टम में कितने का क्या फ़ाइनल है। तो ये भाई हमारा कार्ड है, इनकी कुछ मशीन अभी कुछ नाटक कर रही है, मतलब सही चल नहीं रही है, तो इन्होंने रिबूट किया, ये हमने कार्ड दे दिया अभी इसमें। ये भाई मेरा छोटा बैठा है, इसको बहुत क्या बोलते हैं खुशी हो रही है बहुत इसके अंदर। इधर ऐसा बैठा है कि जैसे अभी ये ले करके गाड़ी अभी उड़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इसको बहुत मज़ा आ रही है। पीछे पड़ा है मेरे इतनी देर से कि भाई ये वाली देर से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। ये भाई इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि गाड़ी अब मैं निकालने जा रहा हूँ, तो ये बता रहे हैं कि इसमें ये कैसे चीज़ें काम करेंगी। बाकी इसका मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा स्टेलर का पूरा, बट अभी के लिए नहीं। अभी अभी जस्ट मैं निकाल के लाया हूँ इसको शोरूम से, जैसा कि अभी आपने पीछे देखा। तो मैंने कहा चलो एक थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव ले लेता हूँ, तो मैं 1090 की तरफ गया। मैंने कहा कि चलो 1090 की तरफ होकर के आता हूँ, फिर पूरा उधर से घूमते हुए इधर साइड से आते हुए, मतलब पूरा कह सकते लखनऊ का एक चक्कर लगा लिया मैंने।
भाई गाड़ी चलाने में तो भाई एक नंबर की, बहुत कंफर्टेबल है एकदम सुकून के साथ में, और मतलब बैठना, बॉडी पोस्चर वगैरह ये सारी चीज़ें, और जैसे कह सकते हैं कि एक प्रॉपर मतलब बॉडी का इंडिकेशन भी बहुत ऑसम सा है, एक फील मतलब एक बहुत रॉयल लग्जरी सा फील है इसके अंदर। और दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊँ तो भाई इसमें जो ये गद्दी वगैरह लगी है, इस पर बैठने पर भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ऐसा मतलब इतनी देर से मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप मतलब बहुत देर से गाड़ी चला रहा हो, ऐसा मन कर रहा है कि इसको चलाता ही रहूँ बहुत स्मूथ सा इसका एस्केलेटर भी है और सारे सिस्टम वगैरह भी है। बाकी मैं इसको क्या बोलते हैं, इसकी एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मीटियोर 350 SLR की, जिसमें मैं सारे इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह सब कुछ बताऊंगा, बहुत औसम औसम से चीज़ें हैं। तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जैसे कि मैं आगे आप लोग को बताऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे चैनल की। तो बाकी ये आगे का ये लुक है, बाकी प्रॉपर लुक मैंने दिया पीछे वीडियो में दिया हुआ है, और प्रॉपर एक डिटेल्ड लुक भी दूंगा इसका, लेकिन वो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ दिन लगेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो छोटा सा ब्लॉग मैंने सोचा था बनाऊंगा, जो गाड़ी लेने जा रहा था मैंने कहा कि मेरी छोटी सी फैमिली है उसके साथ में मैं ये शेयर करूँ, तो वो शेयर करने के लिए एक एक्सपीरियंस मैंने ये वीडियो बनाई। बाकी ये रहा मैं बैठा हूँ, और इधर से भी मैं ही दिखाई दे रहा हूँ, ये मेरा आईफोन, ये मेरा आईफोन, भाई इतना अच्छा फील आ रहा है, मैं क्या बताऊँ, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस, आई एम रियली हैप्पी कि मैं ये गाड़ी ले करके आया। तो दोस्तों अगर सच में अगर आपको लगता है कि ये ब्लॉग वर्थ इट है और आप लोग को पसंद आया है, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन बाय प्रेसिंग द ऑल नोटिफिकेशन अपडेट्स, इससे आने वाली और वीडियोस मुझे नहीं। तो अगर आप लोग को लगता है कि ये वीडियो मेरी वर्थ इट है और आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो, और अगर कुछ भी आप पूछना चाहते हैं या जाँचना चाहते हैं, और हाँ एक चीज़ और मैं बताऊँ भाई, अगर इसके प्राइसिंग की बात करूँ इस गाड़ी की, तो प्राइसिंग इसकी थी 2,21,000 रुपये इसके एक्स शोरूम प्राइस था, और 2,65,000 इसकी ऑन रोड प्राइस था, जिसमें 5 साल का आपको इंश्योरेंस और RSA और 3.5 लीटर पेट्रोल, एक हेलमेट और इसका बॉडी कवर और इसका इंजन कवर और RC और एक दो चीज़ें और थी, नहीं हाँ वो इसका इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिला हुआ है, तो ये इसकी प्राइसिंग वैल्यू थी, और ये मुझे 2,65 की पड़ी, जिसमें मैंने 2,00,000 रुपये इसका कैश उनको दे दिया था, अपने बैंक से ट्रांसफ़र कर दिया था, और बचे हुए पैसे को मैंने EMI में कन्वर्ट करा लिया था, जिसकी 4,100 या 4,200 रुपये हमारी EMI कन्वर्ट हुई, तो वो मैंने करा लिया। बाकी और कुछ आपको अगर इससे रिलेटेड पूछना है तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा, मज़ा बहुत आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में। बाकी अगर ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन बाय प्रेसिंग द ऑल नोटिफिकेशन अपडेट्स। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।